हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो डॉक्टर फिक्स इट 211 इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट ओल्ड टू न्यू स्लैब ज्वाइन करने के लिए। ये 1 kg का है, इसका MRP 670 आता है। इसके लिए हमको लगेगा एक बकेट, एक 6 इंच का ब्रश और एक रॉड। बॉक्स के अंदर हमको 2 कंटेनर मिलेगा। एक में है बेस, आप कोने में देख रहे हो, और एक में है हार्डनर। चलिए इसको कहाँ और कैसे अप्लाई करना है ये दिखाते हैं। ये है हमारा ओल्ड स्लैब और इसका सेकेंड स्लैब हमको अब कास्ट करना है। इसके दोनों के बीच में हमको ये केमिकल लगाना है। केमिकल लगाने से पहले उसका डस्ट और लूज मटेरियल सब निकाल के लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। चलिए इसको मिक्स करते हैं। अब बेस और हार्डनर का दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही होना चाहिए। ये बकेट में हमने निकाल के लिया है। इसको मिक्स करने के लिए कुछ ऑटोमेटिक मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, हम मैनुअल मिक्स इसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रॉड यूज़ किया है मिक्सिंग के लिए। याद रहे उसका कंसिस्टेंट एक कलर हमको मिलना चाहिए, ग्रे कलर हमको मिलना चाहिए। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। ब्रश से इस तरह से एजेस पे अप्लाई करना है। जितना भी डस्ट और लूज मटेरियल है हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, आपको भी वैसे ही सेम करना पड़ेगा। इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट आपको लगाना ही है, वरना आपको लीकेज का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे। इस तरह से ब्रश से अप्लाई करना है और याद रहे हमारा केमिकल सूखना नहीं चाहिए, वरना आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। कास्टिंग के कुछ 5 मिनट पहले ही आपको ये केमिकल लगाना है। बीम्स में भी आपको डालना है केमिकल। आप देख सकते हो पीछे हमने कास्टिंग स्टार्ट किया है। इस तरह से आपको करना है, केमिकल सूखना नहीं चाहिए। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में PDF शेयर करूँगा लिंक में। इस तरह से आप सब अप्लाई करना है। ब्रश से अप्लाई करोगे तो बेटर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।